खास तौर पे गर्भवती महिलाएं हैं, जो बुजुर्ग हैं, उन लोगों के लिए कई नियम होते हैं। नंदिता जी, जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं, उनके लिए आप कुछ बताएंगे? क्योंकि हमने ऐसा देखा है कि कई बार कहा जाता है कि वोम पे गेरुआ लगा लें या केसर का कुछ, नाभि में चंदन लगाएं, इन चीज़ों का क्या इम्पैक्ट होता है? क्या कुछ खास टिप्स दे दीजिए आप? जी देखिए, नाभि जो होती है ना, नाभि के पीछे लगभग 72,000 जितनी भी नाड़ियाँ हैं उसका केंद्र होता है। दैट्स अ बेली बटन, दैट्स अ रीज़न इट इज़ कॉल्ड बेली बटन। तो वहाँ पे कोई भी चीज़ आप अप्लाई करते हैं वो लगभग शरीर के पूरे ही नाड़ियों में संचार करती है। तो केसर लगाएं या गेरू लगाएं, दिस इज़ बेसिकली ग्राउंडिंग ऑफ एनर्जीज़ की। आप इमोशनल अपीवल्स, जैसे बोला गया था, बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत अधिक रहता है जिस समय ग्रहण होता है। अब गर्भवती महिलाएं क्या हैं, वो वैसे ही बिकॉज एक शिशु का अंदर अपने अंदर पालन कर रही हैं, पोषण कर रही हैं, तो वो ऑलरेडी सेंसिटिव होती हैं। साइंटिफिकली एक्सेप्टेड नॉर्म है, गायनेकोलॉजिस्ट से पूछेंगे तो वो खुद बोलेंगे कि इन लोगों को थोड़ा आराम करना चाहिए, सुखी रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, इसलिए क्योंकि उनकी एनर्जीज जो होती हैं बहुत इमोशनल होती हैं, एकदम से बहक जाती हैं, किसी भी चीज़ में गुस्सा जल्दी आएगा तो रोना भी जल्दी आएगा, खुश भी जल्दी होंगी। तो ये बोला जाता है कि ये समय के, क्योंकि आप जो भी सोच रहे हैं वो आपका बच्चा भी उसी चीज़ को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो उस शिशु के लिए जो अभी अनबॉर्न नहीं है, यू आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। लाइक अगर आप गर्भवती महिला हैं तो आप रिस्पॉन्सिबल हैं उसके लिए। तो आपने क्या करना है, आपने उस समय जितना आप जैसे शार्प ऑब्जेक्ट्स उनको बोला जाता है दूर रहें, क्योंकि आपकी मनस्थिति किस समय क्या है पता नहीं, पता चला सब्जी काट रही है तो खुद की उंगली काट ली, ध्यान कहीं और है, इसलिए बोला जाता है शार्प ऑब्जेक्ट से आप दूर रहें, किचन में आप काम नहीं करें, आप मन ही मन मानसिक जप करें, आप बाहर नहीं जाएं, क्योंकि रेडिएशन केवल आपको इम्पैक्ट नहीं कर रहा, आपके अंदर जो अनबॉर्न चाइल्ड है उसको भी इम्पैक्ट कर रहा है आपके थ्रू। तो इसलिए, क्योंकि वो बच्चा तो अपना सेफ गार्ड नहीं कर सकता, आप दोनों की ही रक्षक हैं, तो इसलिए ज़्यादा एहतियात बरतना आपके लिए ज़रूरी होता है। तो आप अपना जितना ओम क्लिंग कृष्णाय नमः का जप करें, उससे बढ़िया क्या होगा, अंदर आप संतान गोपाल एक छोटे से शिशु का पालन पोषण कर रही हैं, है ना, या ओम श्रीम श्रीय नमः का जप करिए, किसी भी ईश्वर पे जिन पे आपकी आस्था है उनका मंत्र पढ़िए, और देखेंगे कि आपके अंदर के शिशु के अंदर भी जो पूरा नर्वस सिस्टम एक्सपैंड होता है, स्ट्रेंथ आती है उसको, ब्लड फ्लो जो होता है वो बहुत अच्छा आपके अंदर जाना शुरू हो जाता है, संचार होता है, तो वही जो एनर्जीज़ हैं, डिवाइन एनर्जी का संचार। और हम इतनी सारी एनर्जीज़ की बात कर रहे थे, साइंटिफिकली एक चीज़ और एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, क्योंकि आई थिंक डॉक्टर हलीम इज़ ऑल्सो हीलर और मैं भी हीलर हूँ। अब मैं यहाँ बैठे अमेरिका में कोई व्यक्ति है, मैं उसकी हीलिंग कर सकती हूँ जी, और वो ठीक होता है व्यक्ति, और वो रिपोर्ट भी देता है, मेरे पास बहुत बहुत डाटा है, जो ये बोलते हैं मतलब उनका सिर दर्द ठीक हो गया, गले का दर्द ठीक हो गया, बॉडी एक्स ठीक हो गए, आपको बिना छुए मैं आपकी बॉडी स्कैन करके बता सकती हूँ कि आपके शरीर में किस अंग में आपकी दिक्कत है। आपको साइंस में एक सोनोग्राफी करानी पड़ेगी या सीटी स्कैन कराना पड़ेगा या पेट स्कैन कराना पड़ेगा, और मैं आपको बिना छुए हुए केवल एनर्जी के माध्यम से आपके एग्जैक्टली, आप किसी भी पेशेंट को सामने लेके आइए, उनकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट रखिए, मैं यहाँ तक बता सकती हूँ आपको कि आपके फाइब्रॉइड्स किस ओवरीज में या किस साइड में है, जो ये एनर्जी का कमाल होता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।